नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियदर्शनी सिंह और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने कर ली है कट्टी। किससे कर ली है? कांग्रेस से। आइए पूरी की पूरी खबर हम आपको बताते हैं। अब पूरा का पूरा मामला ये है कि राज बब्बर, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलेक्शन के बारे में जानकारी दे रहे थे। उसी जानकारी को देते देते उन्होंने ये जानकारी भी दे दी कि हम 7 सीटें छोड़ रहे हैं एसपी और बीएसपी के लिए, एक गुड बिहेवियर जेस्टर के लिए, कि भाई हम वहाँ पे अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। लगता है ये व्यवहार बहन जी को रास नहीं आया, उनको अच्छा नहीं लगा। अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने एक तंज कसते हुए, कांग्रेस पे निशाना साधते हुए ये बोला कि कांग्रेस चाहे तो पूरी की पूरी 80 सीटों में अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकती है, हमें उनके एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे कहते हैं भिगो के मारना। बहन जी ने प्रॉपर तरीके से, पूर्ण तरीके से भिगो भिगो के मार दिया कांग्रेस को। यहाँ पर ही बात ख़त्म नहीं हुई थी, अखिलेश भैया भी चुप नहीं रहे और उन्होंने बहन जी का समर्थन देते हुए कहा कि बिल्कुल बुआ ने बात सही कही है और अगर कांग्रेस का मन है तो 80 सीटों में भी उम्मीदवार अपने उतार लें, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है और यूपी में कांग्रेस को कोई नहीं पूछ रहा है। बात तो सही बोली है लेकिन सच्ची बात अक्सर कड़वी होती है, ये तो सबको ही मालूम है। अब कौन सी 7 सीटें छोड़ दी हैं कांग्रेस ने, इतना बड़ा त्याग किन सीटों के लिए किया है कांग्रेस ने, आपको भी ये जानना चाहिए। पूरे के पूरे यादव परिवार के लिए कांग्रेस ने ये बहुत बड़ा त्याग किया और आरएलडी के प्रमुख अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी के लिए भी सीटें छोड़ दी हैं। बताइए कितना बड़ा दिल है कांग्रेस का। मायावती ने उसके बाद देर रात को अखिलेश यादव से मुलाकात करके ये भी बात बोली कि हमें अपनी पहली लिस्ट कैंडिडेट्स की लोकसभा चुनावों की उतारने जा रही हूँ, तो मेरा ये मत है कि क्यों ना हम रायबरेली और अमेठी की सीट, जो कि राहुल गांधी और सोनिया की सीट है, उसमें भी अपने कैंडिडेट उतारें। अब मुद्दा यह आता है कि मायावती का अचानक ऐसा रवैया क्यों? क्यों अखिलेश यादव, जो 2017 में यूपी के लड़के बोल के निकले थे, अचानक राहुल से ऐसा बैर क्यों हो गया है? इसके पीछे सीधे सीधे राजनीतिक समीकरण आ रहा है। राजनीतिक समीकरण ये कहता है कि बीएसपी और एसपी कुल मिला के और आरएलडी अजीत सिंह की पार्टी कुल मिला के 80 सीटों में लड़ेंगे मिलजुल कर, और वो उनको पूरी की पूरी उम्मीद है कि 50 से 55 सीटें तो निकाल ही लेंगे। अब उनके मुताबिक कांग्रेस को तो वहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा है। अब झूठ मूठ का जो नाटक कांग्रेस उनके साथ गठबंधन होने का कर रही है, उससे मायावती को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि मायावती को ये मालूम है कि कांग्रेस उनके दलित वोट बैंक पे सेंध लगा सकता है और ये एक तरह से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, और मायावती जैसी चतुर राजनेता ऐसी गलती नहीं करेंगी। इसलिए एसपी, बीएसपी और आरएलडी तीनों ने मिलके कांग्रेस को साइडलाइन कर दिया है कि पहले चुनाव लड़ लेते हैं, देखते हैं कौन कितनी सीटें लाता है, उसके बाद देखेंगे। और मायावती ने ये भी बोल दिया, भैया हम पे एहसान करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी नैया खुद पार करा लो। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, और चुनाव के लिए ऐसी रोचक खबरें सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर देखते रहिएगा। नमस्कार।